हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड इवनिंग आप सभी को। मैं प्रियल आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने इस चैनल पे, प्रियल मैम रीजनिंग के अंदर। तो आप सभी का 2 दिन के बाद एग्जाम है, केवल एक ही दिन बचा हुआ एग्जाम में, कल का दिन है। तो आज अभी के टाइम सब लोग पैनिक स्टेट में होंगे कि क्या लेके जाए, क्या लेके नहीं जाना, कैसे तैयारी करनी है, अब क्या करें, मतलब ये भी कर लें, वो भी कर लें, बहुत सारी चीज़ें मन में आ रखती होंगी। तो अब मैं आपको देने वाली कुछ टिप्स, और ऐसी टिप्स हैं जो इस समय आपके एग्जाम में एडमिट कार्ड से भी ज्यादा जरूरी वो चीजें, बिना इनके आपके एग्जाम हॉल में घुसने भी नहीं दिया जाएगा। तो इन बातों को जरा गौर से सुनिएगा और गौर से लिखिएगा भी, दिमाग में फीड कर लीजिए कि बिना इन चीजों के आपके एग्जाम हॉल के अंदर एक कदम भी रखने नहीं दिया जाएगा। तो बात करते उन चीजों की, काफी बच्चों ने ये चीज पढ़ भी लिए होंगे लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ डाउट्स रह ही गए होंगे। तो मैं आपको एक पूरा सिनेरियो बता देती हूँ कैसे कैसे एग्जाम आप देने वाले हैं, और उसके बाद हम बात ये भी करेंगे कि इस समय आपके लिए क्या करना जरूरी है, ऐसा कैसे करें कि अब हम कैसे क्या काम करें कि एग्जाम में हमारा स्कोर बढ़े ही। इन 2 दिन से हम कैसे अपना स्कोर बढ़ा सकते हैं, कैसे हम एग्जाम हॉल में कूल माइंड से अपना एग्जाम दे सकते हैं, आज मैं आपको वो बातें बताने वाली हूँ। तो पहली चीज है, जो आज के टाइम पे एडमिट कार्ड से भी ज्यादा चीजें जरूरी है जो आपके पास होनी चाहिए, फर्स्ट चीज ये है मास्क का होना। पहली चीज है मास्क, बहुत जरूरी होता है ये मास्क आपके लिए, बहुत जरूरी मास्क है। अगर एडमिट कार्ड ना होगा वो भी उसका प्रिंट आउट निकल जाएगा, लेकिन बिना मास्क के एंट्री नहीं मिलेगी। अब उसमें लिखा हुआ है कंपलसरी, मैंडेटरी लिखा हुआ है केवल। और बहुत बच्चों के मन में आ गया होगा कि मास्क है, कोई भी मास्क चल जाएगा, वो ब्लू कलर का मास्क होता है वो लगा लेते हैं, या फिर कोई ना कपड़े वाला मास्क होता है वो लगा लेते हैं। नहीं, ऊपर उन्हें स्पेसिफाई नहीं किया हुआ है, पर नीचे देखेंगे जब पूरा पढ़ोगे उस हैंडआउट को, तो उसमें स्पेसिफाई किया हुआ है कि मास्क भी होना चाहिए, कौन सा वाला, N95। और बहुत बच्चों को नहीं पता N95 मास्क होता कैसे, तो मैं आप डेमो क्लिक मेरे पास है भी, ऐसे कलर का ये होता है मास्क N95 वाला। उसके इस साइड देखो, इधर और इस साइड दोनों साइड लिखा होता है N95 मास्क। ये मास्क है, मार्केट में मुश्किल से 20 या 30 रुपीज का मिलता है, जाइए और लेके चले जाइएगा। ये मत सोचना कि कोई बात नहीं हम देख लेंगे, नहीं देखा नहीं जाएगा, सीधा एग्जाम हॉल से बाहर निकाल दिया जाएगा, चाहे आपके पास हर चीज क्यों ना अवेलेबल हो। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज जो आपके पास होनी चाहिए वो है, सेकंड इंपॉर्टेंट चीज है सैनिटाइजर की बॉटल, सैनिटाइजर की बॉटल। ठीक है, आपके पास छोटी बॉटल होनी चाहिए, अपनी पर्सनल लेके जानी है, बिना इसके भी आपको अंदर घुसने नहीं जाएगा, इसका भी टाइम है। इतनी बड़ी बॉटल चलेगी आपके लिए, ये बॉटल मोर देन इनफ है, आपको लेके जाओगे मोर देन इनफ रहेगी, ऐसी सी बॉटल होगी आपके पास। ज्यादा बड़ी मत लेके जाना, कोई रखोगे कहाँ पे, छोटी बॉटल लेके जानी है, 500 से 100 ml तक की लेके जाना आपको। ठीक है, तो ये बात हो गई। थर्ड चीज, अब ये मत सोचना कि हमें लाइफ बॉय की लेके या डिटॉल लेके जानी है, सैनिटाइजर की बॉटल होनी चाहिए, अगर लाइफ बॉय डिटॉल हो तो अच्छा ही है, वरना आपकी मर्जी, आप किसी की बॉटल लेके जा सकते हैं। ठीक है, थर्ड चीज है आपके पास जो होना ही होना चाहिए, जो इनसे भी ज्यादा जरूरी है, वो है आरोग्य सेतु ऐप। आरोग्य सेतु ऐप बहुत इंपॉर्टेंट ऐप है, COVID-19 के टाइम पे आपने बहुत बार टीवी में ऐड भी देखा होगा, अमिताभ बच्चन भी ऐड करते हैं, और अजय देवगन भी ऐड करते हैं, इसका देखा होगा आरोग्य सेतु ऐप, ये मेरा बॉडीगार्ड है और आपका ही बॉडीगार्ड है। ठीक है, तो वही उसी बॉडीगार्ड की बात करें, ये बॉडीगार्ड होना आपके फोन में बहुत जरूरी है। जिनके भी पास एंड्रॉयड फोन्स हैं, तो अभी की अभी इस वीडियो को खत्म होते ही आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड कीजिएगा। डाउनलोड करने के बाद मैं आपको डेमो देती हूँ, आप लोग को पहले डाउनलोड करना है। जब आप डाउनलोड करोगे तो क्या दिखेगा, ऐसे देखो, एक दिख रहा है आपको हार्ट शेप का दिखता है, ये ऐसा हार्ट शेप का होता है ये ऐप करके, और यहाँ पे ये ऑरेंज और ग्रीन कलर का होता है, इधर ऑरेंज कलर होगा, इधर ग्रीन कलर का होगा, ऐसा कोई ऐप होता है। इसको ऐसे मैंने खोला, जब खोलता है दिखता ऐसे है। तो आपके इस आरोग्य सेतु ऐप के अंदर यहाँ पे जो ग्रीन ग्रीन दिख रहा है ना, ये ग्रीन लिखा होना चाहिए, मतलब लिखा होना चाहिए यू आर सेफ, या फिर लिखा होगा यू आर इन लो रिस्क जोन। ये ग्रीन क्या शो करता है, ग्रीन जो लाइन लिखी हुई है कि आप सेफ जोन में है। इसमें यहाँ पे लिखा होगा सेल्फ असेसमेंट, इस टेस्ट को देना होता है आपको, इसे पूछता है कि आपको जुखाम है, खांसी है, वो उसको सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद ये आपका स्टेटस शो कर देगा। ये चीज होनी आपके पास जरूरी है कि जब आप एंट्री करेंगे
तो पहले गार्ड आपका एडमिट कार्ड नहीं देखेगा, पहले यही चीज देखने वाला है। तो आज के टाइम में एडमिट कार्ड से भी ज्यादा जरूरी चीजें ये है। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, जो लोग लो रिस्क एरिया से आ रहे हैं, लो रिस्क मतलब जिनका स्टेटस ग्रीन शो होगा, जिनका स्टेटस ग्रीन शिफ्ट शो होगा लो रिस्क जोन से, केवल उनको ही एग्जाम देने दिया जाएगा। जिनका मीडियम है या फिर हाई रिस्क का है उनको एग्जाम देने नहीं दिया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, दिमाग में रखेगा। ग्रीन वालों को एग्जाम देने दिया जाएगा। इस सारों के सेतु ऐप में जो लोग हाई शो कर रहे हैं या फिर मीडियम भी शो कर रहे हैं उनको एग्जाम देना नहीं दिया जाएगा। इन केस आपके पास एंड्रॉइड फोन नहीं है, पर ऐसा बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी मैं मान लेती हूँ नहीं है, मान लीजिए, तो आपके नीचे जब एडमिट कार्ड डाउनलोड किया होगा, नीचे आपके पास एक फॉर्म होगा, लिखा होगा सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म है, इसको आपको भर के लेके जाना है। अगर आपके पास कोई स्क्रिप्ट है, स्क्रिप्ट को भी लिख के लेके जाना है, और आपको खुद को भी लिख के लेके जाना है। उसपे कुछ पूछा हुआ है कि बुखार है या नहीं, कहीं बाहर गए हो या नहीं, ऐसे कुछ चीजें दो चार बातें पूछी हुई, टिक लगा के खुद के साइन करके लेके जाना है। ये आपका सेल्फ असेसमेंट होना बहुत जरूरी है एग्जाम हॉल के अंदर घुसने के लिए। तो ये तो वो बेसिक बातें थी जो आपको होनी ही होनी चाहिए, बिना इसके तो एंट्री क्या इम्पॉसिबल है। अब अगली चीज जो एग्जाम से ले और इम्पोर्टेंट है वो भी क्या, एडमिट कार्ड। भाई सभी लोग बताइए, एडमिट कार्ड तो चौथी चीज है, फोर्थ है आपके पास एडमिट कार्ड होना चाहिए, एडमिट कार्ड, और उस पर एक फोटो लगा हुआ होना चाहिए। एडमिट कार्ड के ऊपर फोटो लगानी है, एडमिट कार्ड पे फोटो लगानी है, ठीक है। कलर्ड फोटो होगी, ब्लैक एंड व्हाइट मत लेके जाना, उस पर कलर्ड फोटो ही लगाना, और वो फोटो लगाना जो आपने जब फॉर्म भरा था तब फॉर्म जो लगाई थी वही फोटो लगाना, ठीक है। उसके बाद है पांचवी चीज है, आपके पास आईडी प्रूफ होना चाहिए। एक बात ध्यान रखना, आपके पास राशन कार्ड काम नहीं करता है, आपके पास ऐसी कोई आईडी होनी चाहिए जिसमें आपका फोटो लगा हो। तो मेनली आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ, या फिर इलेक्शन कार्ड हुआ, मेनली इलेक्शन कार्ड पे फोटो होती है। हाँ, यही चीजें हैं जो आपके होने चाहिए, जो आपको साथ लेके जानी है, जेरोक्स कॉपी और ओरिजिनल दोनों, ठीक है। आईडी प्रूफ की, आईडी प्रूफ की जेरोक्स भी लेके जानी है और ओरिजिनल भी लेके जाना है। तो ये वो बातें थी जो आपको अपने साथ होनी चाहिए आज के सिनेरियो को देखते हुए, और जो आईबीपीएस ने गाइडलाइंस दिए हैं उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। इतनी बात सबको समझ में आ चुकी होगी, अब बात कर लेते हैं। ये तो वो बातें थी जो आपको पता होनी चाहिए और एग्जाम हॉल की, क्योंकि इसलिए मैंने बातें बताई हैं कि लास्ट टाइम में आप पैनिक ना करो कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मेरे पास ऐसे नहीं है, मेरे पास वैसे नहीं है। कोई बच्चे बोलते मैं हमारे पास ये नहीं था तो हम लोग एग्जाम हॉल के अंदर घुस ही नहीं पाए, ये नौबत ना। इसलिए मैंने आपको सारी चीजें लिख के बता दी कि क्या क्या चाहिए, और ध्यान रखना N95 ही होना चाहिए आपके पास, ये बात कंपलसरी याद रखना। अगर आपको स्क्रिप्ट है कोई लिखने वाला है उसके पास भी होना चाहिए, और आपके पास खुद के पास भी होना चाहिए। अब बात करते हैं, अब एग्जाम हॉल के अंदर पहुंच गए, एग्जाम हॉल में पहुंच तो गए हम लोग सब सामान लेके, अब एग्जाम हॉल में हमको तैयारी कैसे करना है, अटेम्प्ट कैसे करना है, ये और सुन लीजिए आप। एग्जाम हॉल में अटेम्प्ट कैसे करना है और इस समय हमें रिलैक्स कैसे रहने से एग्जाम हॉल में हम ज्यादा स्कोर कर पाए, तो इस समय की बात बता रही हूँ मैं आपको। मैं मान के चल रही हूँ केवल कल का दिन बचा है आपके पास और परसों आपका एग्जाम है, ये मैं मान के चल रही हूँ केवल कल का दिन बचा है। तो पहली चीज, फर्स्ट टिप मेरी ओर से ये है, कोई भी न्यू चीज याद मत करना, नया चैप्टर नई चीज कुछ मत पढ़िए, क्योंकि तो बैंक में क्या होता है, एक्यूरेसी पे ध्यान दिया जाता है, ज्यादा चीजें अटेम्प्ट करने पे ध्यान नहीं दिया जाता। अब अटेम्प्ट कीजिए, जितना अटेम्प्ट करना है उतना सही अटेम्प्ट कीजिए, मेन बात ये होती है। तो नई चीजों पे ना ध्यान देते हुए स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स, कैलकुलेशन, मेनली कैलकुलेशन वाले पार्ट पे फोकस कीजिए, और रीजनिंग में शॉर्ट शॉर्ट पूरा मॉक टेस्ट दोगे, नंबर कम आएंगे, डिमोटिवेट हो जाओगे। इसलिए बोल रही हूँ शॉर्ट शॉर्ट क्विजेस दीजिए, शॉर्ट शॉर्ट वाला टेस्ट दीजिए, जिससे कि आपकी स्पीड कंटिन्यूस भी रहे और आप थोड़ा डिमोरलाइज भी ना हो, ठीक है। फुल टेस्ट दोगे, दिक्कत अगर नंबर कम आ जाएंगे तो निराश नहीं होना है आपको, कि ये केवल आपके प्रैक्टिस के लिए और कुछ भी नहीं है। केवल प्रैक्टिस कीजिए, जो चीज आती है उसके लिए प्रैक्टिस कीजिए, कुछ भी नया मत पढ़िए, फर्स्ट चीज। यही इंपॉर्टेंट बात है आपके एग्जाम हॉल के लिए जो आप इस समय कर सकते हैं। अब है एग्जाम हॉल में जब पहुंच जाएंगे तो अटेम्प्ट कैसे करना है हमको पेपर के अंदर, तो वो मैं आपको बताना चाहती हूँ बहुत ध्यान से। देखो हमारे पास दो कैटेगरी के बच्चे होते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं जो क्वांट पहले अटेम्प्ट करते हैं, ठीक है।
दो टाइप के बच्चे होते हैं, जो रीजनिंग पहले अटेम्प्ट करेंगे और जो क्वांट पहले अटेम्प्ट करेंगे। मेरे अकॉर्डिंग ठीक है, देख ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मान के चलिए जो आपका ज्यादा स्ट्रांग है, एक आपका ज्यादा स्ट्रांग हो उसको 2-4 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए। मतलब मान लो मेरा रीजनिंग स्ट्रांग रहता है तो मैं इसको 22 से 23 मिनट देती हूँ और इसको मैं 20 मिनट देती हूँ, क्योंकि मेरा रीजनिंग ज्यादा स्ट्रांग है तो उसको मैं सोचती हूँ फुल मार्क्स कवर हो जाए। आपको अपने अकॉर्डिंग देखना है कि अगर आपका क्वांट ज्यादा स्ट्रांग है तो आप इसमें 2-3 मिनट एक्स्ट्रा दे दीजिए, जिससे कि आप इसमें ज्यादा स्कोर कर पाए। अब बात करते हैं रीजनिंग से, शुरुआत यहाँ से करते हैं। अब रीजनिंग में भी दो टाइप के बच्चे होते हैं, एक वो बच्चे जिनका पजल स्ट्रांग है, एक वो बच्चे होते हैं जिनका पजल आपका स्ट्रांग है, और एक बच्चे वो होते हैं जिनका पजल वीक है। पजल वीक वाले होते हैं और एक पजल स्ट्रांग वाले होते हैं, ठीक है। अब जो पजल स्ट्रांग वाले हैं उनको क्या करना है, पहला नंबर क्वेश्चन को उठाते हुए चलना है और सिक्वेंस पे करना है। पहला नंबर किया, दूसरा किया, तीसरा किया, कंटिन्यूस में चलते जाना। अगर आपको लगता है कि कोई पजल, एक पजल होगी जो टफ सी लगेगी आपको, अगर लग रहा है कि वो पजल टाइम टेकिंग है उसको स्किप कर दीजिए, वरना पेपर कंटिन्यूस वे में करते जाइए, ठीक है। ये आपके लिए रीजनिंग वाले, जिनके रीजनिंग का पजल पोर्शन स्ट्रांग है। अगर आपका पजल वीक है तो आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, पहले बेसिक पार्ट को अटेम्प्ट कीजिए, पजल को हाथ भी मत लगाइएगा। बेसिक ब्लड रिलेशन कर लीजिए, स्लॉगिज्म कर लीजिए, इनइक्वालिटी कर लीजिए, आपका डायरेक्शन का सवाल कर लीजिए, जो बेसिक अल्फाबेट वाले सवाल कर लीजिए, जितने भी बेसिक सवाल है पहले वो अटेम्प्ट कीजिए सारे के सारे, और उसके बाद आप पजल पे आइए। ये मेरी टिप है उन लोगों के लिए। ऐसा क्यों मैंने किया, क्योंकि जब बेसिक पार्ट करोगे आपको बस कॉन्फिडेंस आता जाएगा, हाँ मुझे ये भी आ गया, अच्छा मुझसे ये भी हो गया, अच्छा मुझसे ये भी हो गया, अरे वाह मैंने तो इतने कम समय इतना कुछ कर लिया। आप में कॉन्फिडेंस आएगा तो आपको पजल को करने में अच्छा लगेगा और पजल जल्दी बनेगी। एग्जाम में केवल दिल है, ऑल इज वेल वाला साहब है, ऑल इज वेल, जितना बोलोगे भाई ऑल इज वेल उतना दिल अच्छे से काम करेगा। दिल को पता चल गया कि भाई सबको अच्छा जा रहा है तो वो अच्छा अच्छा काम ही करेगा। अगर शुरुआत में फंस गए ना पेपर खराब हो जाता है, इसलिए बोलती हूँ जहाँ फंस जाओ छोड़ दो उसको, क्योंकि दिल को संभालना है। अगर दिल को संभाल लिया कि ऑल इज वेल बोल दिया, ऑल इज वेल वाला साहब है भाई केवल, समझो है, तो फिर पजल करोगे आराम से पजल बनेगी आप, इतना काम हो गया। ये बात है रीजनिंग की। अब क्वांट की बात करते हैं। क्वांट के लिए एक ही स्ट्रेटेजी है हर बच्चे के लिए, चाहे स्ट्रांग हो चाहे वीक हो। पहले क्या करना है, क्वाड्रेटिक सिंप्लीफिकेशन नंबर सीरीज। ये जब चीजें आती हैं आप पहले पेपर को स्किप करते जाइए, स्किप स्किप स्किप। आप केवल क्या देखना है कि नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिक या सिंप्लीफिकेशन में कुछ आता है, पहले अटेम्प्ट ये कीजिए। मतलब इन शॉर्ट क्वांट में सबसे पहले ये तीनों चीज अटेम्प्ट होनी चाहिए। पहले आप सबसे पहले ये करेंगे, ये तीनों चीज अटेम्प्ट करेंगे, अटेम्प्ट कर ली। इनको अटेम्प्ट करने के बाद क्या करेंगे, आप डीआई को देखेंगे। जब इनको स्किप कर रहे होंगे डीआई के पहले वाले क्वेश्चन को मार्क कर लीजिएगा, ये मैंने पहले ही बताई थी आपको। मार्क करने से क्या होगा, जब आप वापस से देखने में आसानी हो जाएगी कहाँ पे डीआई थी। डीआई को लीजिए, जब आप स्किप 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 कर रहे होंगे तो आपके दिमाग में दिख रहा होगा भाई ये डीआई छोटी, ये डीआई बड़ी है। जो डीआई छोटी हो पहले उसको अटेम्प्ट कीजिए, या फिर जिसके क्वेश्चन ईजी हो उसको अटेम्प्ट, ठीक है। छोटी डीआई और छोटे क्वेश्चन वाले को अटेम्प्ट कीजिएगा, और फिर अगर बड़े के लिए टाइम है तो अटेम्प्ट कीजिए, वरना पहले अर्थमेटिक को सॉल्व कीजिए, इसके बाद अपने अर्थमेटिक को करिए, ठीक है। और उसके बाद आपको जो ठीक लगे, इसमें अर्थमेटिक में फ्लो बना अर्थमेटिक को कीजिए, अगर डीआई फ्लो बना डीआई को फ्लो कीजिए, क्योंकि आपको स्कोर कम से कम 25 से ऊपर अटेम्प्ट करना है इन दोनों के अंदर, समझ में है। तो एक बेसिक स्ट्रेटेजी है एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए, क्योंकि एग्जाम हॉल में ये चीज मैटर नहीं करती कि आपको कितना आता है, मैटर ये करते हैं कि आपने कितना स्मार्ट वे में अटेम्प्ट किया है। बहुत बच्चों को सब कुछ आता होता है लेकिन फिर भी एग्जाम हॉल में इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाते जितना वो दे सकते थे। क्यों, अटेम्प्ट नहीं कर पाते वो प्रॉपर वे में, उनको स्ट्रेटेजी नहीं पता होती कैसे में अटेम्प्ट करना है। इसलिए ये वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आपको इस समय क्या करना है। अभी केवल नई चीज कुछ मत पढ़िएगा, केवल कैलकुलेशन में ध्यान दीजिएगा और रीजनिंग में शॉर्ट शॉर्ट क्विजेस लगाइए। पूरा मॉक टेस्ट देने के लिए मैं नहीं बोलूंगी, अगर नंबर कम आएंगे डीमोटिवेट हो जाए, क्योंकि इस समय केवल अपने दिल को बेवकूफ बनाना है, ऑल इज वेल बोलना है केवल आपको। जितना दिल बेवकूफ बनेगा, जितना दिल है जो ये सोचेगा कि भाई सब कुछ सही है, उतना पेपर बढ़िया जाएगा। केवल दिल को समझाना है आपको और कुछ नहीं करना, दिल का खेल है केवल ये। दिल से ये दिमाग को बोलेगा सब कुछ सही है, दिमाग एक बार परफेक्टली काम करेगा, ये बात अजमा के देख लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके लिए वीडियो था, अगर आपको अच्छा लगा हो अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एग्जाम टाइम से पहले हर कोई बच्चा पैनिक होता है, हर कोई सोचता है कि अब मैं ये किताब पढूं, ये करूं, वो करूं, क्या क्या करूं, एक दिन बचा है कुछ नहीं करना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये चीजें, ठीक है। तो थैंक यू, शेयर कीजिएगा सभी लोग, और सब्सक्राइब और लाइक का बटन जरूर दबा दीजिएगा। टेक केयर, बाय बाय।